नाम डॉक्टर अमोल केलकर है, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, मनोविकार तज्ञ मनोविकास तज्ञ हूँ। आज मैं आपको पैनिक अटैक, अगोराफोबिया और पैनिक डिसऑर्डर के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत दिनों से मैं ये वीडियो डालने का सोच रहा था, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं अप्रोक्सीमेटली रोज 4 से 5 ऐसे पेशेंट्स हैं जो कॉलेज गोइंग यूथ है, जिनको पैनिक अटैक और अगोराफोबिया और पैनिक डिसऑर्डर होते रहता है। अब पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर है क्या? बहुत सारे ऐसे कॉलेज गोइंग लोग हैं जिनको सडन इंटेंस फियर होने लगता है, छाती में धड़धड़ होने लगता है, डर पैदा होने लगता है, पसीना आने लगता है, गर्म हवा चलने लगती है, सांस रुक जाती है, और फियर ऑफ इम्पेंडिंग डूम, मतलब ऐसा लगता है कि अभी मैं अगले ही क्षण मर जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे अटैक एक दिन में आते हैं, उनको बोलते हैं पैनिक अटैक, और अगर पूरा देखा जाए तो इसको बोलते हैं पैनिक डिसऑर्डर। अब ये पैनिक डिसऑर्डर महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ये अटैक्स होते रहते हैं, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल वजह है, इसके पीछे टेंशन की बीमारी है, और वो अलग अलग फिजिशियन के पास, सर्जन के पास, अलग अलग डॉक्टर के पास जाते हैं, और उनको डॉक्टर्स अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ देते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी उतने अवेयर नहीं है कि इसको ये एक्चुअली पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर है। बहुत दिनों तक दवाई लेने के बावजूद, अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस करने के बावजूद, बहुत पैसा डालने के बावजूद भी जब पेशेंट को आराम नहीं होता, तब जाके पेशेंट थक हार कर साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं, और तब जब हमसे बात करते हैं तब हमें एक ही क्षण में ध्यान में आ जाता है कि ये और कुछ नहीं पर पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर है। पैनिक डिसऑर्डर आजकल के कॉम्पिटिटिव वातावरण में, आजकल के स्पर्धात्मक जग में बहुत सारे लोगों को हो रहा है, स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, 12वीं की परीक्षा देने वाले लोगों में, गवर्नमेंट जॉब में जहाँ अथॉरिटी फिगर है या पेरेंट्स से डर लगता है, ऐसे जगह पे पैनिक अटैक हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि पैनिक अटैक्स में होता क्या है कि कुछ क्षण के लिए छाती धड़धड़ करती है, पसीना आने लगता है, डर लगता है, और ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो डिसऑर्डर है ये बहुत सारे डिसऑर्डर से मिमिक करता है, मतलब बाकी डिसऑर्डर में भी इसके जैसे ही लक्षण दिखते हैं, जैसे हार्ट अटैक। तो जब ये होता है तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आया है, और वो और ज़्यादा पैनिक हो जाता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पैनिक नहीं होना, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डॉक्टर के पास जाना, वो भी साइकेट्रिस्ट के पास। साथ ही में थायरोटॉक्सिकोसिस, मतलब अगर हाइपर थायरॉयडिज्म रहा तो भी ऐसी लक्षण हमको दिखती है। अब पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर में ट्रीटमेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको डायग्नोसिस करना, और उसके बाद इसके लिए मेडिसिन देना या साइकोथेरेपी करना। बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के मेडिसिन हैं, जैसे SSRI, TCA। SSRI में पैरोक्सिटिन बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग है, जिसको देने के बाद पैनिक अटैक कम हो जाते हैं। साथ में ही बेंजोडाइजिपिन्स, जैसे अल्प्राजोलाम, क्लोनाजेपाम, ये दवाई देने के बाद भी पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर कम हो सकता है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में सबसे इम्पोर्टेंट है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस पेशेंट का कॉग्निशन कहाँ बिगड़ा हुआ है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण पेशेंट को डर लग रहा है। हमेशा यूजली देखा जाता है कि जब पेशेंट से हम बात करते हैं तो वो पेशेंट के बचपन में ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ हुई है जिससे वो हर चीज़ एसोसिएट करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में यदि वो अगर सफ़ेद कुत्ते से उसको डर लगा था तो वो हर सफ़ेद चीज़ से उसका डर एसोसिएट करने की कोशिश करता है, और हर सफ़ेद चीज़ से उसको डर लगने लगता है और उसको पैनिक अटैक आता है। तो हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज क्या है, मूल वजह क्या है। साथ ही में ये इम्पॉर्टेंट है कि उसको ये बीमारी के बारे में इनसाइट दिलाना, इनसाइट मतलब पेशेंट को ये समझाना कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये खाली एक बीमारी है, ये कोई सीरियस इलनेस नहीं है पर एक टेंशन की बीमारी है। जब पेशेंट को ये मालूम पड़ता है कि ये बीमारी मुझे ही नहीं, ये दुनिया में हजारों लोगों को ये बीमारी है,
और इसमें मेरी जान जाने नहीं वाली है। जब पेशेंट को मालूम पड़ता है तो आधी बीमारी पेशेंट की ऐसे ही खत्म हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि पेशेंट ने रिलैक्स होना, बायोफीडबैक करना। बायोफीडबैक मतलब अगर ऐसा ध्यान में आया कि पेशेंट को तकलीफ हो रही है, पसीना छूट रहा है, छाती में धड़ धड़ करना है कर रहा है, तो खुद को सूचना देना और रिलैक्स होना। तो ये सब चीजें हम साइकोथेरेपी में करते हैं। साथ ही में हम सम्मोहन या रिलैक्सेशन थेरेपी करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। क्या होता है सम्मोहन या रिलैक्सेशन थेरेपी में, हम पेशेंट को रिलैक्स कराते हैं, पूरी बॉडी रिलैक्स कराते हैं और पेशेंट को विजुअलाइजेशन कराते हैं, इमेजिनरी जगह पे लेके जाते हैं, इमेजिनरी चीजें हम इमेजिन कराते हैं और ये पेशेंट को दिखाते हैं कि इमेजिनेशन करके वो जो चीजों में उनको डर लगता है, जो चीजों में उसको डर लग रहा है, वो पेशेंट इमेजिन करता है और ये सोचता है कि मुझे वो चीजों में डर लग रहा नहीं है। ऐसे धीरे धीरे इमेजिन करके, प्रैक्टिस करके, रिलैक्स करके पेशेंट ये बीमारी से बाहर आ सकता है। दोस्तों, पैनिक डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है, इससे बाहर निकलना बहुत ही आसान है। कुछ ही दिन पहले मैंने, 2-3 दिन पहले ही मैंने ये देखा कि पैनिक डिसऑर्डर के वजह से एक नवयुवक की, यंग एडल्ट की शादी टूट गई, क्योंकि वो गाड़ी पे निकलने लगा बाइक पे अपने बीवी को लेकर और सडनली उसे पैनिक अटैक आ गया और वो वहीं रुक गया, छाती में धड़ धड़ करने लगा, उसको लगने लगा कि मैं मरने वाला हूँ। लड़की ने बोला कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती और वो शादी टूट गई। इतना इम्पैक्ट है पैनिक डिसऑर्डर का। बहुत सारे लोग एग्जाम देने जाते हैं लेकिन एग्जाम दे नहीं पाते और उनको पैनिक अटैक आ जाता है और एग्जाम से वैसे ही वापस आ जाते हैं। हालांकि अगर यही पेशेंट को हम ट्रीटमेंट देते हैं तो वो उस एग्जाम में फर्स्ट भी आ सकता है। ये इंफॉर्मेशन थी पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। मैं और भी वीडियोस अपलोड करते रहूंगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो जरूर लाइक करिए, ये वीडियो को जरूर शेयर करिए, मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी वीडियोस आप देख सकते हैं। थैंक यू।